हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का टाइप नंबर 3। इसके पहले साधारण ब्याज पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने एकदम बेसिक से बातें की थी और दूसरे पार्ट में मैंने टाइप नंबर 2 को पढ़ाया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि बैक के 2 वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए, तब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। सवाल कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मैं पी को, मूलधन को एक्स मानता हूँ, तो कह रहा है जो मूलधन अगर एक्स है तो उसका ब्याज, मतलब उसका जो SI है वो कितना हो जाएगा। SI बराबर आपका हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा एक्स का, SI बराबर आपका हो जाएगा एक्स का 3/5। 3/5 मतलब ये हो जाएगा आपका 3x/5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको भिन्न मिल गया। मैंने कहा था भिन्न हमें आने नहीं देना है, भिन्न से बचना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो P है, P को मैं क्या मान लेता हूँ, जो ये बटे है इसके हिसाब से मैं भिन्न भिन्न को मान लेता हूँ P को। तो मैंने कह दिया P जो है आपका 5x है। P आपका अगर 5x है तो मैं 5x का, देखिए मैं अगर 5x का 3/5 कैलकुलेट करता हूँ, इसका 3/5 निकालता हूँ, तो ये 5 एकम 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ गया आपका 3x। तो हमने यहाँ देखा साधारण ब्याज कितना हो गया, 3x हो गया, और हमारा मूलधन कितना हो गया, 5x। और आपको T भी दिया गया है, आपका समय भी दिया गया है। समय आपको कितना बताया गया है, 3 वर्ष। समय आपको दिया गया है 3 ईयर। आपसे पूछा है तो ब्याज की दर क्या होगी, आपको R बराबर बताना है। तो आप इसका फार्मूले का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं। R बराबर होता है SI, R बराबर होता है SI गुड़े 100/ आपका हो जाएगा P गुड़े T, इसी पे मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से SI आपका हो जाएगा 3x, SI आपका हो गया 3x, SI हो गया आपका 3x गुणे, ये हो जाएगा आपका 100/ में हम कर देंगे आपका यहाँ पर P कितना है आपका, 5x है, P बराबर 5x हो गया, और गुड़े यहाँ हम कर देंगे आपका T आपका 3 है। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 गुना 10। तो आपकी जो दर निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20%। ये आपका राइट आंसर। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3 का पहला सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस टाइप 3 का। ये हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपसे कहा गया है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यदि समय की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मानना है पी, आप पी मानेंगे। अब आपको पता चल चुका है पी आपको कैसे मानना है, तो पी मैं इसका मान ले रहा हूँ 16x। अगर ये एक्स आप नहीं मानते फिर भी आंसर आपका आ सकता है। तो ये हो जाएगा 16x। तो यहाँ से आपको ब्याज कितना मिलेगा, SI कितना हो जाएगा, यहाँ से SI हो जाएगा 16x का
तीन बटा सोलह मतलब सोलह सोलह कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x। कह रहा है यदि समय की संख्या दर के तीन गुने के बराबर हो, तो यहाँ से मैं जो दर है, दर को मैंने मान लिया y, दर मैंने मान लिया क्या है y परसेंट है, दर मैंने y परसेंट मान लिया, तो समय कितना हो जाएगा t, t बराबर आपका हो जाएगा 3y। कह रहा है तीन गुने के बराबर हो, ये हो जाएगा 3y। तो दर बताइए, दर बराबर क्या होता है आपको पता है, r बराबर होता है SI, SI रख दीजिए यहाँ पर, 3x गुणे 100 गुणे 100 बटे में p रख दीजिए मतलब 16x हो जाएगा, गुणे में आपका आ जाएगा t आपका दिया गया है 3y। अब यहाँ मैंने r भी y माना है, तो मैं इस r के स्थान पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ y, यहाँ पर मैंने रख दिया y, यहाँ मैंने रख दिया y। इसी को सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और इधर हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20। ये y इधर गुणा हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25/4, y बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 25/4। आंसर हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये आपका राइट आंसर है बी नंबर। अगला सवाल देखते हैं क्या है इसका। ये हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कोई धन वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। यहाँ से भी आप पी मान लीजिए, पी बराबर मान लिया गया, देखिए अब हर के हिसाब से मानना है तो पी आप मान लीजिए 4x, पी आपका 4x हो गया। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा, SI बराबर आपका निकल के आ जाएगा, इसका हम 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका x निकल के आ जाएगा, SI आपका x हो गया। कह रहा है टाइम आपका दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है 5 वर्ष, टाइम भी आपका दिया गया है, टाइम आपका 5 वर्ष। कह रहा है दर बताइए, तो r बराबर होता है SI कितना मिला आपको, x मिला है, SI x हो गया, गुणा कितना हो जाएगा 100 होता है फार्मूले में, हमने 100 रख दिया, बटे कितना हो जाएगा p हो जाएगा, p आपका 4x है, यहाँ पर गुणा हो जाएगा आपका समय, समय कितना है 5, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 होता है और ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100। r बराबर आपका निकल के आ जाएगा 5%, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। यहाँ से अभी आप तुरंत लगा दीजिए, इसको बहुत आसान है, तो आप पी मान लीजिए, पी हम हर के हिसाब से मानेंगे, पी हमने 25 मान लिया, पी हमने 25x मान लिया, तो यहाँ से जो SI आएगा, SI कितना आ जाएगा, SI आ जाएगा आपका 4x आ जाएगा, SI इसका 4x आ जाएगा। कह रहा है दर और उसकी संख्या क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ से मैं r भी मान लेता हूँ y, और मैं यहाँ से टी भी वाई मान लेता हूँ, टी भी वाई हो जाएगा, बस ये आपका परसेंटेज रहेगा और ये आपका वर्ष रहेगा, ये आपका वर्ष रहेगा। आर बताना है आपको, तो आर बराबर फार्मूला लगा दीजिए, आर बराबर होता है, देखिए आर मैंने क्या माना है, आर बराबर होता है SI, यहाँ मैंने SI लिख दिया,
एसआई, ये आपका एसआई हो गया, एसआई गुड़ा 100, एसआई गुड़ा 100 बटा पी हो जाएगा और गुड़े में हो जाएगा आपका टी। वाई आर मैंने वाई माना है, मैंने वाई रख दिया, वाई बराबर हो जाएगा एसआई, एसआई कितना आया है आपका 4x आया है, 4x हो जाएगा, गुड़े में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे पी, पी कितना रहेगा आपका 25, पी रहेगा आपका 25x रहेगा, गुड़े यहाँ पर आपका टी, टी आपको दिया गया है, वाई आपने माना है, दोनों बराबर थे, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100 आपको मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 4 गुड़े 4, 4 गुड़े 4, तो यहाँ से आपको वाई बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 4 × 4, आपको वाई बराबर मिल जाएगा 4%, ये आपका आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो इसमें हम, ये हमारा अगला ये हो गया, तो इसमें हम इतने ही सवाल करेंगे। टाइप नंबर 3 में 4 सवाल, अब ये टाइप आप लोग देख चुके हैं कितना आसान है, काफ़ी अच्छे से सवाल हमारे हो सकते हैं। अगला टाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।